सबकी नजरें टिकी दिल्ली विधानसभा के चुनाव नतीजों पर। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी की जीत सभी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी। आम आदमी पार्टी ने अपनी शानदार जीत का जश्न मनाया। भाजपा 3 राज्यों में स्पष्ट जीत की राह पर, दिल्ली में तस्वीर साफ नहीं। दिल्ली और राजस्थान में ही दिखा सत्ता विरोधी लहर का असर। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हार को किया स्वीकार, पद से दिया इस्तीफा। 15 साल तक सत्ता में रहने के लिए आम जनता का जताया आभार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शानदार आगाज। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया। बढ़त के बावजूद भाजपा अभी भी बहुमत से दूर। अरविंद केजरीवाल ने समर्थकों से रूबरू होते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत जनता की जीत है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत को जनता की जीत बताया। कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। रमन सिंह ने जीत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को दिया धन्यवाद। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की बयार। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा ने बनाई शानदार बढ़त। अशोक गहलोत ने मानी हार, कहा अच्छा शासन देने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ अंडरकरंट से हुआ भाजपा को फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विरोधियों को जीत की दी बधाई, कहा हार के कारणों का विश्लेषण करने की है जरूरत। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने एक संदेश दिया है और पार्टी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, कहा कांग्रेस को एक संगठन के तौर पर बनाएंगे बेहतर। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने विधानसभा चुनाव के जनादेश का स्वागत करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थी और चुनाव परिणाम इसी को प्रदर्शित करते हैं।